माय के चौदह मामो तारा बहन के चौदह महावीर वाला तारा मैया के चौदह वाला बहनों लगा तारा बेटी के बुल में। यार हमने तो निर्दला केस में पे किया था ना रेफरीज को, कितना किया था, 7-8 मिलियन किया था शायद 11 साल में। यार कितना गंदा क्लब है बार्सिलोना, 11 साल में ये सब पे करके ट्रॉफीज लेना चाहती है। बहुत गलत काम किया, बहुत एकदम एकदम घटिया काम है, बहुत घटिया बिल्कुल। अरे 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 यार रेफरी, डिसीजन तो हमारे फेवर में करना चाहिए था, तुमको तुम क्या हमारे गेंद डिसीजन दे रहे हो। रेफरी ये क्या फूंक के ये लोग आते हैं, पहले ये मुझे जानना है कि लालीगा के रेफरी क्या फूंक के फिर ये रेफरिंग करने आते हैं। यार तुमको ये लोग लग रहा है, यहाँ पे वीटो रख के बेचारा एक गोल मारने के बाद, दो गेम्स में दो गोल मारने के बाद बेचारा आता है और वो टैकल से बचना चाहता है, ठीक है, वो अपना पैर देखो, उसका इंटेंशन देखो, ही इज जस्ट क्लियरिंग ऑफ हिज फीट। नहीं भाई रेफरी को लगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, बार्सिलोना 3 गोल स्कोर कर रही है और मैच जीत रही है, ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ तो हार्म करना पड़ेगा। तो क्या किया, सेकंड येलो कार्ड दे दिया, रेड कार्ड हो गया। चलो अब नेक्स्ट गेम में हमारे पास सिर्फ बचता है लेवेंडोव्स्की और 16 साल की छोटी गोल्डन लुल्ली लामिन यामाल। खेलो तुम, इतना सब टेक्नोलॉजी आने के बाद भी अगर ये सब डिसीजन डे इन डे आउट हमारे अगेंस्ट आता है ना, देन दिस इज अ डिसग्रेस, लाइक द लीग इज अ डिसग्रेस। सो आज जावी ने खिलाया क्रिस्टेंसन को एज अ डीएम और हमने बहुत दिन से कहा कि यार डीएम खिलाओ क्रिस्टेंसन को, डीएम खिलाओ, आज उसने खिलाया और आज हम एक 4-मैन मिडफील्ड लेके उतरे। ओके कुबर्सन एरोहो एज सेंटर बैक और एलबी वाज कैंसेलो, आरबी वाज कुंडे। ओके क्या क्रिस्टेंसन वाज फ्लॉलेस, नोप, बट क्या उसने एक डिफेंसिवली एक शील्ड प्रोवाइड किया, यप ही डिड दैट, बट उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट है एक सीबी जैसा। सो मतलब बहुत ही सरल भाषा में कहूँ तो एक डीएम का जो क्वालिटीज होता है वो अभी तक क्रिस्टेंसन में नहीं आया है, अगर खेलते खेलते आ जाए तो बढ़िया है। पर आज लाइक मैं तो ये बहुत सारे वीडियोस में ही कहता हूँ कि यार गुंडोगान इज द मेन मैन फॉर बार्सिलोना, चाहे आप फर्स्ट गोल देख लो, सेकंड गोल की बात करेंगे, बट पहले फर्स्ट गोल में ये देखो कितना बढ़िया पास था, एंड टू बी ऑनेस्ट दिस वाज अ टॉप नॉच गोल बाय लेवेंडोव्स्की, नॉट इवन किडिंग। मतलब ये जो गोल से ये जो कुछ फर्स्ट टच लेके सेकंड टच में बॉल को एक जगह फिक्स करना फिर गोल स्कोर करना, ये सब हम प्राइम में देखते थे उसको बायर्न म्यूनिख में, और कुछ ग्लांसेस आज लेवेंडोव्स्की का देखा, और आज लेवेंडोव्स्की का जो गेम था दैट वाज मोर ऑर लेस बेटर देन द अदर गेम्स, उसका लिंकअप प्ले वाज अ बिट गुड टुडे। सो या और गुंडोगान का जो सेकंड गोल था, ये एक बॉक्स टू बॉक्स जो मिडफील्डर होते हैं ना उनके लिए एक पीएसजी पेपर होना चाहिए, दिस शुड बी द केस स्टडी ऑफ अ मिडफील्डर। जस्ट लुक एट हिज रन मैन, पहले वो यहाँ पे इनवर्स रन बनाता है और यहाँ पे डिफेंडर्स घिरे हुए रहते हैं, देन ही कन्फ्यूज द डिफेंडर्स एंड शिफ्ट टुवर्ड्स द फार पोल, एंड आई हैव टू गिव क्रेडिट टू पेड्री फॉर द विजन, एंड पेड्री गिव अ ब्यूटीफुल लॉफ्टेड पास, एंड व्हाट अ सब्लाइम फिनिश गुंडोगान डिड, अमेजिंग लवली। लाइक ये जो ट्रेड्स है ना इसी की वजह से गुंडोगान को साइन किया गया है, और पहले कुछ गेम में गुंडोगान वॉज गुड, जब गुंडोगान को डीप स्टार्ट किया गया था गुंडोगान वॉज स्टिल गुड देन, बट उसका जो एक ऑफेंसिव मेंटलिटी है वो तभी आएगा जब उसको थोड़ा सा अपवर्ड हम स्टार्ट कराएंगे, और जावी ने वही किया 2-3 मैचेस में और रिजल्ट्स हमको दिखा है। सो या गुंडोगान इज अ फैबुलस प्लेयर एंड करंटली द बेस्ट प्लेयर फॉर बार्सिलोना, और आज हमने बहुत दिन बाद पेनल्टी बॉक्स में एक अच्छा पास देके एक अच्छा पास से एक प्लेयर को फाइंड किया, एंड दैट प्लेयर जस्ट शोड अस सम फॉक्स इन द बॉक्स टाइप मूवमेंट, एंड ही स्कोर्ड अ सिंपल येट अ ब्यूटीफुल गोल। यस मैं बात कर रहा हूँ विटो रोक की गोल की, देखने में ये बहुत सिंपल गोल लग रहा होगा कि यार क्या ऐसे तो एक टैपिंग मार दिया, बट ये जो गोल्स है ना ये लाइक द बार्सिलोना प्लेयर्स जनरली मिस दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इन द बॉक्स, लेवेंडोव्स्की से ये हमें बहुत कम देखने को मिलता है, बट विटो रोक ने आज बहुत ही बढ़िया एक सरल मूवमेंट किया बॉक्स में, एंड ही स्कोर्ड दिस अमेजिंग गोल, एक द प्लेसमेंट टॉप नॉच। ये विटो रोके का जो थर्ड गोल है इसका इनिशिएटर इज लामिन यामाल, उसने शोल्डर ड्रॉप किया देन ही वेंट एंड गिव अ ब्यूटीफुल पास और वहां से गोल पड़ा। पर डर क्या लगता है पता है, बस 16 साल का लड़का है, छोटा लड़का है, और हमारे पास अभी सारे ही प्लेयर्स इंजर्ड पड़े हुए हैं, सो वी कैन नॉट यूज हिम डे इन डे आउट, वरना वो भी थक जाएगा पेड्री की तरह, हम उसको ओवर यूज नहीं कर सकते। इमेजिन दिस 2030 में लामिन यामाल का जो एज होगा दैट विल बी 21 या 22, कैन यू इमेजिन, लाइक अभी जो वो खेल रहा है अगर वो कंसिस्टेंटली ऐसा खेला लाइक ही वुड बी द बेस्ट प्लेयर इन मतलब 22 ईयर्स ऑफ ओल्ड। और मेरा ये मानना है कि जब भी रफीना फिट होके आ जाएगा तभी उसको ही खिलाना चाहिए, एंड लामिन यामाल को थोड़ा सा गेम टाइम देना होगा, बट ऐसे 90 मिनट्स तक उसको नहीं खिला सकते वरना प्रॉब्लम हो सकती है। दैट वॉज अ गुड एंडिंग आज के मैच का, और बैक टू बैक 2 मैच हमने जीत लिया है। सो चलो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय, एंड विस्का एल बार्सा।